कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। मैं हूँ राधिका पाटिल और राधिका कुकहाउस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। घर आप किसे कहेंगे? चार दीवारों से बना हुआ रूम नहीं, घर वो है जहाँ आकर आप अपनी सारी परेशानियों को भूल जाए, अपने सारे टेंशन को भूल जाए और एक सुकून और रिलैक्स सा महसूस करे। जहाँ आपको समय बिताने की इच्छा हो, रहने की इच्छा हो, बैठने की इच्छा हो, घर हम उसे कहेंगे। घर में हमारे इमोशंस जुड़े होते हैं, हमारा प्यार, हमारी भावनाएं जुड़ी होती है। घर छोटा है या बड़ा है ये मायने नहीं रखता, पर घर में कितना सुकून है, कितना पॉजिटिवनेस है ये जरूर मायने रखता है। थोड़े से बदलाव, थोड़े चेंजेस से, थोड़े से आइडिया से हम अपने घर में एक सुकून भरा माहौल ला सकते हैं, एक पॉजिटिवनेस ला सकते हैं। मैंने भी मेरे रूम, लिविंग रूम का मेकओवर किया है, जिसका वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेकओवर स्टार्ट करने के पहले मैं आपको हमारे लिविंग रूम के बिफोर का वीडियो दिखा देती हूँ। हमने 2 BHK 2 BHK की दो फ्लैट्स लिए थे और उसके जो हॉल का जो ये बीच की दीवार है, जो आपको स्पेस दिख रहा है, इसे हमने हटा दिया था, जिसकी वजह से हमारा लिविंग रूम काफी बड़ा हो गया है, उसमें काफी स्पेस आ गया है। इस फ्लैट्स को लेके हमें 12-13 साल हो चुके हैं। लास्ट ईयर ही हमने हमारे लिविंग रूम का और किचन का रिनोवेशन किया था, तो फ्लैट के एक भाग में, हॉल के एक भाग में हमने सोफा अरेंज किया है। ये जो किचन है उसको हमने भगवान का रूम बना दिया है, एक फ्लैट के किचन को। और ये जो दो डोर दिख रही है आपको, ये बेडरूम की डोर है, बच्चों के बेडरूम की। ये टीवी का यूनिट है। ये वॉल है जिसे हमने हटा दिया था। और ये सेकंड फ्लैट का ये वॉल और ये डोर दिख रहा है आपको, ये बेडरूम है, उसके अंदर दो बेडरूम है। दिस इज द किचन एंड ये जो सेकंड वन है उसमें हमने डाइनिंग टेबल अरेंज कर दिया है। तो ये मेरे बिफोर का वीडियो है, तो चलिए आप मेकओवर स्टार्ट करते हैं। मेकअप स्टार्ट करने के पहले मैंने सारे फर्नीचर्स को अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है, जिससे उसमें जो थोड़ा बहुत डस्ट लगा हो तो वो भी निकल जाए। हमने विंडोज़ में ब्लाइंड्स लगवाए हैं इंस्टेड ऑफ कर्टन्स, सो इसके लुक को एनहेंस करने के लिए मैंने ये मैक्रम के हैंगिंग प्लांटर लाए हैं। उस पर मैं ये सेरेमिक का सुंदर सा पॉट रख रही हूँ और ये ब्यूटीफुल सा आर्टिफिशियल फ्लावर्स रख रही हूँ इस पर मैं। इट्स लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। विंडोज के दोनों ही तरफ मैं सेम प्लांटर लगा दिया है। यहां मैं एक लाइव प्लांट रख रही हूँ, ये स्नेक प्लांट है, ए बेस्ट एयर प्यूरिफायर। ये प्यारा सा प्लांटर है, क्यूट सा। इस पे मैंने घर का ही आर्टिफिशियल छोटा सा बो था वो रख दिया है। ये लाइट रख रही हूँ, नाइट लैम्प। ये क्यूट से बेबी प्लांटर है, इस पर भी मैंने घर पे ही पड़ा हुआ प्यारा सा बो था रख दिया है। और ये फ्लावर्स रख रही हूँ। यहाँ पर मैं अपने सोफे से मैच करता हुआ टेबल लैंप रख रही हूँ। विंडोज़ के एक साइड के वॉल के लिए मैंने ये ब्यूटीफुल सा फोटो फ्रेम लाया है, इसमें स्टिकर है, ये स्टिक हो जाता है। इट्स लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। ये एग्नोमिया का लाइव प्लांट है, अ बेस्ट एयर प्यूरिफायर, अगेन अ प्लांट। मैंने अपने डेकोर में प्लांट्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया है, घर की सुंदरता को बहुत बढ़ा देता है। यहाँ पर मैं एक रनर मैट का यूज़ कर रही हूँ। ये दो प्यारे से प्लांटर है, उसमें मैंने आर्टिफिशियल प्लांट्स लगा दिए हैं। यहाँ मैंने एक सिल्वर कलर की डिज़ाइनर प्लेट ली है, उस पर रोज़ के पेटल्स डाल के एक कैंडल रख दिया है। सोफे की खूबसूरती को और इन्हेंस करने के लिए मैं कुशंस का यूज़ कर रही हूँ और यहाँ डिज़ाइनर कलरफुल कुशंस ले रही हूँ।
इन रंग बिरंगे कवर्स की वजह से सोफ़े की खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ गई है। ये बहुत ही ब्राइट लग रहा है, बहुत ही कलरफुल लग रहा है। मैं यहाँ प्यारे से कारपेट का यूज़ कर रही हूँ। कारपेट घर की खूबसूरती को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। सेंटर टेबल के लिए मैं ये ब्यूटीफुल सा मैट यूज़ कर रही हूँ। एक्चुअली ये डाइनिंग टेबल का सेट है, चार का सेट है, पर मुझे ये इंडिविजुअल ही बहुत पसंद आया तो मैं चारों को भी अलग अलग तरीके से इंडिविजुअल डेकोर के लिए यूज़ कर रही हूँ। ये प्यारा सा मग जो आप देख रहे हैं, ये मेरे घर का ही मग है जिसे मैं यूज़ नहीं करती हूँ, पर ये मेरे सोफ़ा से और सबसे मैच हो रहा था तो मैंने इसे एक पॉट के रूप में यूज़ कर लिया। इसके ऊपर मैंने आर्टिफिशियल फ्लावर रख दिए जिससे ये सुंदर सा पॉट बन गया है। ये रिड डिफ्यूज़र है, इसमें मैंने एसेंशियल ऑयल डाल दिया है जिसकी वजह से पूरे लिविंग रूम में एक बहुत ही अच्छी सी खुशबू फैल गई है। ये कैंडल लाइट होल्डर है, ये भी एक डिफ्यूज़र ही है। घर के डेकोर में डिफ्यूज़र का यूज़ ज़रूर कीजिए, ये हमारे रूम को बहुत ही एक खूबसूरत सा सुगंध दे देता है, एक अच्छी सी खुशबू दे देता है। ये रिमोट होल्डर है, टीवी के रिमोट को ठीक से रखने के लिए मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। ये लिविंग रूम के एक साइड के पार्ट का फाइनल लुक है। एक डिज़ाइनर मैट पर छत्रपति श्री शिवाजी महाराज की छोटी मूर्ति रखिए और सिल्वर प्लेट पर थोड़े रोज पेटल्स रखिए और थोड़े कैंडल्स से सजा दिया, डेकोर कर दिया। यहाँ पर मैंने एक प्यारा सा फ्लावर पॉट रख दिया है एंड दिस इज द फाइनल लुक। फैमिली वॉल बनाने का सोचा था, मतलब इसमें फैमिली मेम्बर्स के पिक्स लगा के इस वॉल को सजाने का सोचा था, लेकिन इसमें कुछ पानी का लीकेज का प्रॉब्लम हो रहा है शायद, और जिसकी वजह से कलर सब पूरे बाहर आ गए हैं, फिर ख़राब दिख रहा है वॉल, तो इस वजह से मैंने अपने इसको अभी के लिए स्टॉप किया है। और मैं ये जो सेम जो टीवी यूनिट में जो सेम सीट लगी हुई है, ये सेम सीट यहाँ पे लगाने वाली हूँ, उसके बाद में इस दीवार को पिक्चर से सजाने वाली हूँ, तो उसका वीडियो मैं आपको बाद में शेयर करूँगी बना के। तब तक के लिए इस वॉल का थोड़ी सुंदरता को बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पे प्लांट्स लगा दे रख रही हूँ, जिससे जो ये थोड़ा ख़राब दिख रहा है तो थोड़ा तो अच्छा नज़र आए। यहाँ पर भी मैंने थोड़े से चेंजेस कर दिए। ये मेरी डॉक्टर का फोटो है प्रियंका चोपड़ा के साथ में, देखिए ये प्रियंका चोपड़ा और ये डॉक्टर है। जब वो छोटी थी तो उनका पूरा स्कूल का ग्रुप गया था उसके साथ, प्रियंका चोपड़ा के उनका डांस था। एक यादगारी है जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मैंने इसे बहुत संभाल के रखा है। एंड दिस इज द फाइनल लुक। यहाँ पर मैंने पुराने सोपीस को हटाकर नए सोपीस रख दिए हैं।
ये डॉल मुझे बहुत पसंद आई थी तो मैंने लेके ही आ गई। ये मुझे ऐसे मेरे दोनों बेटियों की याद दिला रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ये मेरी बड़ी बेटी है और एक मेरी छोटी बेटी है। यहाँ पर मैंने एक डिज़ाइनर मैट रखा, उस पर एक छोटी मूर्ति रख दी है और रोज़ के पैटर्न रखकर उस पर एक कैंडल रख दिया है। यहाँ पर मैंने कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं किए हैं, ओनली ग्लास जो थे वो थोड़े डिज़ाइनर ग्लास रख दिए हैं, ऐड कर दिए हैं। ये नैपकिन होल्डर मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी गुड़िया को फ्रॉक पहना दिया है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। डाइनिंग टेबल के चेयर पर मैं कुशन्स रख रही हूँ, उसके लिए मैं मेरे थीम को मैच करता हुआ डिज़ाइनर कुशन्स यूज़ कर रही हूँ। इस सेट के विंडो पर भी हमने ब्लाइंड्स लगाए हैं तो पर यहाँ पर मुझे बहुत ही खालीपन सा महसूस होता था तो दैट्स व्हाई मैंने कर्टन्स लगाने का डिसीज़न लिया। और हमारे जो बॉर्डर है वो ग्रे कलर के हैं, वॉल के बॉर्डर्स, सीलिंग के बॉर्डर्स, तो दैट्स व्हाई मैंने ग्रे कलर के कर्टन्स लगाने का डिसीज़न लिया। कलर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं डेकोर के समय, अगर हम सही तरीके से थीम को, कलर थीम को यूज़ करेंगे तो घर के जो खूबसूरती है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पर मैंने जो कर्टन लगाए थे वो पूरा नीचे गिर गया जिसको मैंने फिर से लगाया, तो डेकोरेशन के समय इस तरह के एक्स्ट्रा वर्क के लिए भी रेडी रहना पड़ता है। यहाँ पर मैं विंड चाइम लगा रही हूँ, इसकी आवाज़ मुझे बहुत ही मीठी लगती है और यह शुभ भी होता है। विंडो की खूबसूरती को और अधिक बढ़ाने के लिए मैं यहाँ एक आर्टिफिशियल वेल लगा रही हूँ, दोनों भी तरफ मैंने सेम वेल लगाए हैं। ये लाइव एरिका पाम प्लांट है, अ बेस्ट एयर प्यूरीफायर। प्लांट्स का यूज़ डेकोर में करने से घर की खूबसूरती भी बढ़ जाती है और एयर भी प्यूरीफाई होता है इंडोर प्लांट से। दोनों ही विंडोज़ की तरफ मैंने सेम एरिका पाम के प्लांट्स। डाइनिंग टेबल पर मैंने ये डिज़ाइनर मैट रख दिया है और उसके ऊपर ये मिरर बेस्ड ट्रे रख दिया है। ये लकी बाम्बू का पॉट है जिसका प्लांट बड़ा हो गया था तो मैंने उसे दूसरे प्लांटर पर शिफ्ट कर दिया था और इस खाली पॉट पर मैंने कलरफुल पेबल्स डाल दिए और स्ट्रिंग लाइट डाल दी और ऊपर से आर्टिफिशियल फ्लावर से सजा दिया है। ये फ्रूट फॉक्स है, ये टूथपिक होल्डर है और ये एक कैंडल, आर्टिफिशियल कैंडल रख दिया है मैंने। And this is the final look.
ये पीस लिली का लाइव प्लांट है, अ बेस्ट एयर प्यूरिफायर। इसे मैंने किचन के बाहरी वॉल की तरफ रख दिया है। अगेन अ प्लांट, इस पर मैंने स्ट्रिंग लाइट लगाकर इसे और भी अधिक सुंदर बना दिया है। दिस इज द फाइनल लुक। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इट्स एब्सोल्युटली फ्री फॉर यू, बट इट्स मोर वैल्यूएबल फॉर मी। आपकी एक लाइक मुझे कुछ नया करने को प्रोत्साहित करेगी। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि एक DIY वीडियो है। टिल देन खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।